हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 10th के कुछ बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के। क्वेश्चन क्या है? इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, देन शो दैट 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3, वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। हमें क्या दे रखा है? 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। इसमें हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, सो डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, सिर्फ कॉस से ही क्यों कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर से ही, क्योंकि हमें 10 चाहिए तो साइन बाय कॉस 10 बन जाएगा अपना। ये आ गया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें अलग अलग डिवाइड कर देंगे हम, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, आपका टेन स्क्वायर थीटा बन गया, आपका बच गया 4, ये आपका आ गया 4 सेक्स स्क्वायर थीटा। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 sec square theta की जगह लिख सकते हैं हम क्या, 1 plus tan square theta, ये आपका right left side पे तो 7 tan square theta plus 3 ही चल रहा है, इसको ओपन करोगे तो 4 plus 4 tan square theta, ये है हमारा 7 tan square theta, इसको यहाँ ले आते हैं plus 3 है, 7 tan square theta minus 4 tan square theta is equals to 4 minus 3, ये हो जाएगा आपका 3 tan square theta, ये हो गया 1, यहाँ से आपकी tan square theta की वैल्यू क्या आ गई, 1 by root 3, तो tan theta क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1 by root 3। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन था थीटा एक्यूट एंगल है, तो हम tan theta यहाँ से ले लेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला 1 by root 3, तो 1 by root 3 वैल्यू कब होती है आपकी थीटा की, 30 डिग्री पे होती है, तो वो एक्यूट भी हो गया और tan